हेलो दोस्तों, भारत लीगल सर्विस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रीटेस्ट के बारे में। यदि आप पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से अब रीटेस्ट देकर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है कि आप जो है क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे आप ड्राइविंग लाइसेंस को रीटेस्ट देकर आप जो है आसानी से पास हो सकें। क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, यानी कुछ ऐसी टिप्स जिनका आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो टेस्ट होता है उसमें आप फेल हो गए तो आपको रीटेस्ट देकर आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसमें रीटेस्ट का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों 7 दिन के बाद होता है। यानी आप जो है अगर एक प्रयास में फेल हो गए तो दोबारा से आप उसको रीटेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन 7 दिन का समय होता है जिसमें आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है। पहली स्टेप होती है दोस्तों ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी आपको फीस सबमिट करनी होती है रीटेस्ट की। दूसरी स्टेप होती है दोस्तों आपका डेट बुकिंग, यानी आपको डेट बुक करनी है जिस स्लॉट में आपको जाना है वहाँ पर टेस्ट के लिए। तीसरा स्टेप होता है ड्राइविंग टेस्ट का, यानी आप अगर DL 4-व्हीलर या 2-व्हीलर का इशू कराएं तो दोनों कंडीशन में आपको टेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तीनों स्टेप 1x1 जानने वाले हैं, तो आप दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फीस पेमेंट के लिए हम इसकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, गूगल पर लिखेंगे DL। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें हम फॉलो करेंगे पेमेंट वाला ऑप्शन, यानी रीटेस्ट फीस। और ये रीटेस्ट फीस आप मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे तो उसमें पेमेंट आपको शो हो जाएगा। और ये दोस्तों पेमेंट, आप जैसे ही पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे और अगला पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, और रिडायरेक्ट होने के बाद आप ये पेमेंट अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको कई ऑप्शन मिलने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट आपका डेबिट कार्ड डिटेल फिल करना होगी और OTP से वैलिडेट होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन पर हम फॉलो करेंगे दोस्तों DL की हम डेट कैसे बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको डेट बुक करके दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तब आपका रिटर्न हो जाएगा अगले पेज पर। इस पर आप DL की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। DL की कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन पर प्रोसीड कर देंगे तो आपका एक डेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों ग्रीन कलर की जो आपको डेट दिखाई दे रही है ये खाली स्लॉट है। इस स्लॉट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे और एक साइड में आपको टाइमिंग दिखाई देगी जिस टाइमिंग में आप जो है टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो आप जो है बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और एक OTP यानी सिक्योरिटी कोड जाता है आपके रजिस्टर मेल या फिर ईमेल नंबर पे। वो सिक्योरिटी कोड आप अपने फ़ोन से लेकर आप इस साइड पर आप जो है फिल कर देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें एक कॉलम भी आपको दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है सिक्योरिटी कोड। वो कोड आप जैसे ही फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका ये अगले ऑप्शन पे रिडायरेक्ट हो जाता है, जिसमें आपको डेट कंफर्मेशन का ऑप्शन देता है कि आप डेट चेक कर लीजिए और टाइमिंग चेक कर लीजिए। फिर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपकी दोस्तों डेट बुक हो जाती है। कंफर्मेशन के बाद ये अगला ऑप्शन पे रिडायरेक्ट होगा और आपकी डेट बुक हो जाती है। इस डेट को स्लॉट को हम बुकिंग वाले स्लॉट को हम जो है प्रिंट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट वाला, जिसमें सभी के लिए कंपलसरी होता है ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, यानी आपको व्हीकल चलाकर दिखाना कंपलसरी होता है। अगर आपने 2-व्हीलर का DL अप्लाई किया है या 4-व्हीलर का, दोनों ही कंडीशन में आपको व्हीकल टेस्ट देना ज़रूरी होता है, जिसमें दोस्तों कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आपको रीटेस्ट यानी दोबारा से टेस्ट देने की आवश्यकता ना पड़े।
दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपको 7 डेज का जो पीरियड मिलता है उसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करें, यानी जो आप फोर व्हीलर या व्हीकल यूज कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको टेस्ट के दौरान मेन चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे पोल हो गया, जो टाइम ड्यूरेशन अलाइन होता है कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में पार्किंग में लगानी है या बैक लेकर जाना है, वो सारी बातों का आपको ध्यान देना होता है जिससे आप टेस्ट में फेल ना हो। फोर व्हीलर टेस्ट के दौरान आपको रेड लाइट जो सिग्नल होता है उसका भी ध्यान देना होता है, जिसमें आपका पोल टच नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया है उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको व्हीकल टेस्ट पास करना होता है। दोस्तों अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो सेम प्रोसीजर आपको टू व्हीलर में भी फॉलो करना होता है, जिसमें आपको कोई भी पोल टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि आप अगर DL का रीटेस्ट देना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय जय।